डिस्कस करेंगे क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रू ड्रग्स, ठीक है। तो जो हमारे क्रू ड्रग्स हैं उनकी क्वालिटी चेक करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप से गुजरना पड़ेगा, तो हम देखेंगे इस वीडियो में ना। हमने चार पार्ट में डिवाइड किया है, चार ऐसे स्पेसिफिकेशन हैं जो आपको देखना है ड्यूरिंग क्रू ड्रग्स। कौन सा है? पहला हमारा है ऑर्गेनोलेप्टिक्स, दूसरा हमारा है बायोलॉजिकल, तीसरा हमारा है बोटेनिकल और चौथा हमारा है केमिकल, ठीक है। तो पहले हम बात करें टिक्स की, तो ऑर्गेनोलेप्टिक्स में क्या है हमारा? कलर, अडर, टेस्ट एंड टेक्सचर एंड फ्रैक्चर, ये पांचों चीजें आपको देखनी है ड्यूरिंग ऑर्गेनोलेप्टिक स्टडी, ठीक है। जब हम किसी क्रू ड्रग्स की ऑर्गेनोलेप्टिक स्टडी करते हैं तो हमें पांच चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, उसका कलर कैसा है, अडर कैसा है, टेस्ट, टेक्सचर एंड फ्रैक्चर, ठीक है। अब बात करेंगे हम पॉइंट नंबर टू की। पॉइंट नंबर टू में हमारा है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में हम देखेंगे दो चीजें, कौन सी दो चीजें हैं? माइक्रोबियल कंटामिनेशन। माइक्रोबियल कंटामिनेशन का मतलब है कि कहीं वो जो हमारी क्रू ड्रग गए उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ग्रोथ नहीं हुई है, कोई बैक्टीरिया वायरस तो नहीं पनप रहा है ना, जिसकी वजह से आपकी ड्रग हर्बल ड्रग खराब हो जाए। तो हमारा पॉइंट क्या है? फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, कि उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी कितनी है। दो चीजें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं बोटेनिकल। अगर बोटेनिकल स्टडी करेंगे हम किसी क्रू ड्रग की तो क्या इंपॉर्टेंट है उसमें? पहला हमारा है माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। यहाँ पे एम ए है वहां पे, ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोपिक के देखेंगे हम साइज एंड शेप ऑफ क्रू ड्रग्स। उसके बाद अगर हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपी की तो यहाँ पे है एम आई, ठीक है। यहाँ पे क्या था? एम ए था और यहाँ पे है हमारा एम आई माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में देखेंगे हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टडी, या फिर हम पाउडर की स्टडी कर लेते हैं। जो हमारे पास माइक्रोस्कोप होता है उससे हम स्टडी करते हैं, पाउडर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अगर पॉइंट नंबर फोर्थ की बात करें तो हमारे पास है केमिकल। तो केमिकल में हमारा क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, क्रोमेटोग्राफी है, या फिर हैवी मेटल टेस्टिंग करते हैं ना। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है केमिकल क्वालिटी। केमिकल आइडेंटिफिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन फील्ड ऑफ क्रू ड्रग्स। कैसे करता है? क्वालिटेटिव मतलब क्या क्वालिटी है उस फाइटोकेमिकल्स की क्रू ड्रग में, क्वांटिटेटिव मतलब कितनी क्वांटिटी है, मात्रा उसकी कितनी है। कैसे पता करेंगे हम? एचपीएलसी से पता कर सकते हैं या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो एचपीएलसी एंड डीएनए प्रिंटिंग, दिस आर टेक्निक फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ, फॉर आइडेंटिफिकेशन क्वांटिटी ऑफ एनी क्रू ड्रग्स। बात करें क्रोमेटोग्राफी, तो क्रोमेटोग्राफी में हमारा एचपीटीएलसी आता है, ठीक है। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आता है, एचपीएलसी आता है, तो ये भी हम परफॉर्म कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी। फोर्थ हमारा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हैवी मेटल। हैवी मेटल टॉक्सिसिटी, हैवी मेटल स्टडी। हमारे जो क्रू ड्रग होते हैं वो जमीन में होते हैं ना, तो कहीं नहीं कभी ना कभी ऐसा होता है जो हमारे वाटर में हैवी मेटल्स हैं या फिर पेस्टिसाइड्स हैं उनसे निकल के लीच करके हमारा आ जाता है क्रू ड्रग्स में। अगर वो बॉडी के अंदर हमारा पहुंचा है तो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो सकता है। तो कौन कौन से हमारे पास हैवी मेटल्स हैं? हमारे की बात करें तो हमारे पास क्या है? पीवी है, एजी है, सीडी है एंड एयू है। इनकी स्टडी क्या करें तो हमारे पास है डीडीटी, जो कि हमें पेस्टिसाइड से मिलता है, उसकी स्टडी करते हैं हम, ठीक है। और इसके अलावा हम देखते हैं अफ्लाटॉक्सिन्स। अफ्लाटॉक्सिन्स में हमारा क्या आता है? B1 है, B2 है, G1 है, G2 है, ठीक है। तो इतनी सारी हमारी चार टाइप्स की स्टडी होती है जो हम किसी भी क्रू ड्रग्स में पता कर सकते हैं कि उसकी क्वालिटी मेंटेन है कि नहीं है, उसमें फाइटोकेमिकल जो है वो अच्छा है कि नहीं है, ठीक है। तो दीज आर टेक्निक फॉर डिटेक्शन ऑफ क्रू ड्रग्स, ठीक है, इन द सेंस ऑफ क्वालिटी एंड एज वेल एज क्वांटिटेटिव स्टडी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।